हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू उमास किचन। आज हम बनाने जा रहे हैं सूजी का वेजिटेबल खिचड़ी, रवा वेजिटेबल खिचड़ी। आइए शुरू करते हैं। मैंने 4 कप पानी पहले उबालने के लिए रख दिया, फिर सब्जियां निकाली, मटर, गाजर, आलू, गोभी, प्याज, सूजी, चने की दाल, उड़द दाल और हरी मिर्च जिंजर। कढ़ाई रखा, कढ़ाई में 1 कड़छी पूरा तेल डाला। तेल गरम होने के बाद इसमें हमें सरसों डालने जा रही हूँ। सरसों डाला। अभी तक जो सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक माई चैनल, शेयर माई चैनल। अभी तक गैस जो है सिम पे था, अब थोड़ा सा मीडियम करेंगे। फ्राई हो गया। अभी हम इसमें 1 चम्मच उड़द दाल, 1 चम्मच चने की दाल डालेंगे। इसको भी थोड़ा सा फ्राई करेंगे। फिर इसमें हम हरी मिर्च और अदरक कटा हुआ है वो डालेंगे। फिर 1 कप प्याज रखे हुए हैं वो भी डालेंगे। अब इसको भूनेंगे। प्याज अच्छी तरह फ्राई होना चाहिए, भूनना चाहिए। इसके बाद हम जो सब्जी रखे हुए हैं एक एक करके ऐड करेंगे। पहले मटर, फिर गोभी, कैरेट, आलू, सब ऐड करने के बाद इसको थोड़ी देर तक चला लेंगे। चलाने के बाद इसमें हम खिचड़ी और ये सब्जी जितना चाहिए उतना नमक ऐड करेंगे। हम 2.5 चम्मच ऐड करने जा रही हूँ। फिर 1 चम्मच हल्दी भी ऐड करूँगी। अब हल्दी ऐड करने के बाद इसको फिर चलाएंगे। अब हम इसको ढक के रखेंगे ताकि सारे सब्जियां जो है पक जाएं। इसमें पानी अभी ऐड नहीं करेंगे, सिर्फ ऐसे ही रख के सिम पे रख के इसको ढक के रखेंगे। 5-6 मिनट बाद सब पक जाएगा, सब्जियां पक जाएगा। देखिए पक गया। अब हम इसमें सूजी ऐड करेंगे। सूजी जो है मैंने ड्राई रोस्ट करके रखे हुए, 1 कप सूजी लिए मैंने, तो ऐड करेंगे। ऐड करके फिर चलाएंगे। आप कच्चे सूजी भी यूज़ कर सकते हो। ड्राई रोस्ट करने से आपको पानी थोड़ा सा ज़्यादा लेगा, ये कच्चे वाले में कम पड़ेगा। इसमें हम 4 कप डालने जा रहे हूँ, कच्चे होते तो 3 कप में हो जाएगा। अब हम इसमें पानी ऐड करेंगे जो बॉईल करके रखे, उबाल के रखे हुए पानी वो ऐड करेंगे। पहले 1 कप ऐड किया, दूसरा कप ऐड करने जा रही हूँ। तो इसको चलाएंगे। ये खिचड़ी जो है साउथ में शादियों में नाश्ते में बनता है। बहुत अच्छा टेस्ट रहता है इसकी, आप एक बार जरूर बना के देखिएगा। अब 3रा कप डालने जा रही हूँ।
फिर चौथा कप, चार कप लेकर आइए। अब इसको हम ढक के 5 मिनट तक पकाएंगे। सूजी पकना चाहिए। पाँच मिनट पकाएंगे और इसको ढक के रख के पकाएंगे। इसके बाद उसमें हरी धनिया से सजाएंगे। किसी भी चटनी के साथ अच्छा लगता है। देखिए पक गया। अगले वीडियो में कोई नई रेसिपी के साथ फिर मिलेंगे आपसे। अब हम इसमें धनिया ऐड करने जा रही हूँ। ज़रूर बना के देख लीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।